Welcome students, and today we are solving check your preparation solution part 2. And earlier we had solved 10 questions for this test. I hope you have watched and analyzed your questions. Now second parts, very good questions, although the question is easy. Even then I would like to solve for you. So question number 11 क्या बोल रहा है कि एक पॉलिनोमियल रखा है. यू आर गिवन विद वन पॉलिनोमियल, दैट पॉलिनोमियल x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 20 स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36. ये पॉलिनोमियल दे रखा है और इसके दो रूट दे रखे हैं. क्या रूट दे रखे हैं? एक रूट दे रखा है ये और एक रूट दे रखा है ये. और ये आपने 9 क्लास में पढ़ा होगा, जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने रूट होते हैं. तो इसके क्या होंगे? सो लेट वी कैन टेक 4 रूट्स. क्या हो गए? मतलब जीरो की बात कर रहे हैं. लेट अल्फा बीटा 2 एंड माइनस 2 आर जीरोज ऑफ पी एक्स. अच्छा, जब जीरो होते हैं क्या करते हैं हम लोग? जीरो को फैक्टर फॉर्म में ले सकते हैं. देयरफॉर इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं इस फॉर्म में लिखूंगा भाई, ये जीरो हुए तो ये फैक्टर हुए, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा px. तो अगर मैं इसको दोबारा सॉल्व करूं तो क्या मिल जाएगा? px यहां पे क्या है? ये इक्वेशन. और ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? मैं डायरेक्ट सॉल्व करके लिख रहा हूं, x स्क्वायर माइनस टू इंटू हो गए, नीचे आ गई. तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो कुछ नहीं कह रहा है. अब आपको समझाता हूं. टू जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, दो जीरो दे रखे हैं, इसका मतलब दो जीरो और होंगे. कौन से हो गए? अल्फा बीटा. ओके, किस पॉलिनोमियल के? इस पॉलिनोमियल के लिखा हुआ है. तो आपको अल्फा बीटा फाइंड आउट करने थे, हमने उसको अल्फा बीटा मान लिया. अगर जीरो होते हैं तो फैक्टर क्या होता है? एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, यही तो फैक्टर होंगे. एक्स माइनस रूट टू और यह एक्स प्लस रूट टू, क्योंकि ये माइनस का प्लस हो जाएगा. अच्छा, तभी तो इंटू हो गया, यहाँ पे आएगा. ठीक है, अच्छी बात है. अच्छा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा. अच्छा, तो लेट अस डिवाइड, लिख देते हैं. लेट अस डिवाइड पी एक्स बाई. अच्छा, मैं यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड सभी बच्चों को आता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड सभी को आता है, मैं विदाउट डिवीजन वाला मेथड प्रेफर करूंगा, क्योंकि एक तो उसमें लिखा भी नहीं है और वो मेथड आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल है. अगर आप उसमें आदत डालते हैं, उसको करने की आदत डालते हैं. क्या मेथड है? डिवाइड किया तो क्या हुआ? देखो, क्या लिख सकते हैं? लेट अस फैक्टराइज डिवाइड, कुछ भी लिख सकते हैं. तो मुझे ये लेके आना है पॉलिनोमियल, ये फैक्टर तो इसका होगा ही. तो मतलब इस पॉलिनोमियल को, जो ये टी एक्स है, ये पी एक्स है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? एक पॉलिनोमियल ये हो गया इनटू कोई 2 डिग्री का फैक्टर और आएगा. 2 डिग्री मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और होगा. होगा कि नहीं होगा? लिख सकता हूँ ये इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा. तो मतलब मैं इस टर्म में से, इस पी एक्स में से एक्स स्क्वायर माइनस टू कॉमन निकाल सकता हूँ. तो देयरफॉर मैंने क्या किया? देयरफॉर क्या किया? एक्स स्क्वायर माइनस टू को वी कैन राइट कॉमन ऐसे लिख सकते हैं. तो लिखने के लिए हम क्या करेंगे? ये फैक्टर होगा. और क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो इसका मतलब 3 टर्म हो सकते हैं. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने मैक्सिमम टर्म हो सकते हैं? 3. हमने पढ़ा ही नहीं पढ़ा है. मैक्सिमम टर्म 3 हो सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते. हाँ, अगर 2 हुए तो एक फैक्टर 0 हो जाएगा. क्या करेंगे? तो फिर अगर मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे
अच्छा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो मुझे यही लाना है, यही लाना है। तो मैं अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दूं तो मुझे क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर लिख दूं तो क्या मिल गया, देखो एक्स फोर माइनस एक्स स्क्वायर मिल गया। अच्छा एक्स स्क्वायर कंप्लीट हो गया, अब मुझे क्या लेके आना है, थ्री एक्स क्यूब। तो थ्री एक्स क्यूब लाने की यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं यहाँ पे अगर थ्री एक्स का मल्टीप्लीकेशन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखो क्या मिलेगा, प्लस का थ्री एक्स क्यूब, साथ में क्या मिलेगा, माइनस सिक्स एक्स, सिक्स एक्स मिलेगा। अब आप देखो मुझे ये भी मिल गया है, ये भी मिल गया है, ये मिल गया है और ये मिल गया है, ठीक। एक्स स्क्वायर के लिए मुझे क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए, तो भी माइनस का, तो माइनस टू तो यहाँ पे है। अगर मैं यहाँ पे माइनस 18 का इंटू कर दूं, माइनस 18 का, तो मुझे देखो क्या मिल रहा है, 18 स्क्वायर, और मैं इसको इंटू करूंगा तो मिल जाएगा 36। अब आप एक मिनट देखो, अगर मैं इसको अरेंज करके लिखता हूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ये हुआ एक्स क्यूब यहाँ पे आ गया, ये माइनस और ये 20x स्क्वायर हो गया, माइनस 6x प्लस 36। देखो ये बहुत ही डिसेंट मेथड है अगर आप इससे करना चाहें। देखो हमारे पास सेम पॉलिनोमियल आ गया, हमारे पास सेम पॉलिनोमियल आ गया, x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 20x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36, सेम पॉलिनोमियल आ गया एक लाइन में, एक लाइन में। ये मेथड इज मोर डिसेंट देन दैट मेथड। तो इसको हम फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखो देयरफोर अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास दूसरा फैक्टर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, ये मेरे पास फैक्टर आ गया है, ये मेरे पास फैक्टर आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, ऊपर से मिटा रहा हूँ, इसका मतलब हुआ क्योंकि पॉलिनोमियल नीचे में लिख रखा है, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास देयरफोर जब डिवाइड करते, अगर यही बार डिवाइड करने का तरीका क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, और इसको मैं मिडिल टर्म से स्प्लिट करूंगा, मिडिल टर्म से स्प्लिट करूंगा तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो एक्स प्लस 6। और अब तो आप में ऐसा एप्टीट्यूड होना चाहिए कि आप बिना स्प्लिट करे डायरेक्ट लिख दें एक्स प्लस 6 एक्स माइनस 3। तो देयरफोर क्या हो गया, या तो अगर मैं इसको एक्स प्लस 6 लेता हूँ देन एक्स माइनस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, सॉरी एक्स माइनस 3 हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो ऑन कंपेयरिंग क्या पता चला, ऑन कंपेयरिंग पता चला कि ये स्टेप तो फालतू का स्टेप है जो मैं अब कर रहा हूँ, ये आपको अवॉइड कर सकते हो, आप ये स्टेप आप अवॉइड कर सकते हो, ये तो माइनस 3 है, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, कोई जरूरत नहीं। तो एक बार तो क्या हो गया, एक बार ये हो गया कि देयरफोर अल्फा क्या हो गया माइनस 6 और बीटा क्या हो गया, माइनस 6 हो गया, बीटा क्या हो गया 3। कैसे देखो आप, यही तो है प्लस का 3। तो इस तरीके से हमारे पास चार रूट क्या हो गए, हैंस फोर रूट्स आर, हैंस फोर रूट्स आर, फोर रूट फाइंड अदर रूट निकालने, फोर रूट लिखने देंगे तो हम लोग लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें देयरफोर क्या रूट टू माइनस रूट टू माइनस 6 एंड 3 आर रूट्स ऑफ सॉरी जीरोज ऑफ पी एक्स। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म हुआ। सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। इस कोई पॉलीनोमियल दे रखा है पी एक्स, क्या पॉलीनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 क्या है, जीरोज। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग
बाय मिनी टर्म स्प्लिटिंग को क्या पता है, मिनी टर्म स्प्लिटिंग क्या था, अगर मैं बी एक्स के कोफिशिएंट को ये मानता हूँ तो मुझे इसको कैसे ब्रेक करना है, मुझे इसको ब्रेक करना है, अगर पी प्लस क्यू फाइव है तो मुझे कैसे ब्रेक करना है कि इनका जोड़ तो ये हो जाए और मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाए, मल्टीप्लीकेशन सिक्स हो जाए, तो क्या हो सकता है फाइव, क्या हो सकता है फाइव के फैक्टर कैसे हो सकते हैं, ये वन होगा तो ये फाइव होगा, यही तो है, और दो फैक्टर हो, और दो फैक्टर हो सकते हैं, नहीं सिक्स लाना सॉरी, ये वन होगा ये सिक्स होगा, और इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, लेकिन दोनों यहाँ प्लस है, दोनों प्लस हैं, तो अगर ये टू होगा तो ये थ्री होगा, अब दोनों को जोड़ के देख लो भाई, तो हम ये वाला फैक्टर लेंगे, अगर एक फैक्टर माइनस होता तो हम वो ले लेते, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर थ्री एक्स प्लस टू एक्स सिक्स, एक्स कॉमन ले लिया हमने तो एक्स टू कॉमन लिया थ्री, इसका मतलब क्या हो गया, देयर फोर जीरो निकाल लें, देयर फोर जीरो ऑफ पी एक्स क्या हो गए, जीरो ऑफ पी एक्स हो गए माइनस थ्री एंड माइनस टू, ये जीरो हो गया, वेरीफाई द रिलेशनशिप, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट क्या है, वेरिफिकेशन पूछ रहा है हमको, वेरिफिकेशन जो गेन वेरिफिकेशन है, तो यहाँ पे ए क्या है, ए वन है, बी फाइव है और सी सिक्स है, तो अगर अल्फा और बीटा रूट्स हैं, अल्फा बीटा रूट्स हैं, वेरीफाई करना ना क्या है, वेरीफाई द रिलेशन, तो वी नो क्या हम जानते हैं, वी नो हम जानते हैं क्या, अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं तो उनकी रिलेशन क्या होती है, बी वाई ए, और अगर इनका प्रोडक्ट करते हैं तो सी वाई ए, तो करके देखते हैं, एल एच एस लिया हमने अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है मेरे पास, अल्फा है माइनस थ्री, बीटा क्या है माइनस टू, माइनस फाइव आया, आर एच एस लिया, आर एच एस में क्या है माइनस, बी क्या है मेरे पास प्लस का फाइव, देयर हो एल एच एस है, या इसको एक साथ लिख देंगे, ये पहला था हमारा, और ये दूसरा हमने लिया वेरिफिकेशन में, तो हमने पहला यहाँ कर लिया, अगर दूसरे को वेरीफाई करते हैं तो देखो एल एच एस अल्फा इंटू जो बीटा निकाला, क्या अल्फा हमारे पास क्या है माइनस थ्री, बीटा क्या है माइनस टू, सिक्स आ गया, अच्छा, और वैसे हमारे पास प्रोडक्ट क्या होता है, अगर हम जब आर एच एस लेंगे तो क्या है सी बाई ए, सी क्या है सिक्स बाई वन, तो ये दोबारा यहाँ पर भी, तो क्या लिखेंगे, सिंस एल एच एस, सिंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हैज वेरीफाइड, ये पूरा जरूर लिखेंगे, सिंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस hence relation verified, hence relation is verified, verified. So what is the next question, ये हमारे पास हो गया है, what is the next question, find all the zeros of the polynomial, अब दो zeros दे रखे हैं, तो अगेन भाई क्वेश्चन नंबर 13 हम अब डायरेक्ट करेंगे, हमें क्या है, अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं, अगर अल्फा और बीटा रूट्स हैं तो मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूँ, एक्स की पावर फोर एक्स क्यूब माइनस चौंतीस एक्स स्क्वायर फोर एक्स प्लस एक सौ बीस डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, तो ये कब है, वी हैव सॉल्व दिस सेम क्वेश्चन इन क्वेश्चन 11, कब, व्हेन अल्फा बीटा माइनस टू, या टू लिख लेंगे, टू एन माइनस टू आर
जीरोज ऑफ गिवन पी एक्स, तो हम ऐसे लिख सकते हैं. इट मीन्स व्हेन वी डिवाइड पी एक्स, जब पी एक्स को इससे डिवाइड करेंगे देयरफॉर क्या हो जाएगा, मतलब वन माइनस अल्फा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर. तो डिवाइड पी एक्स अगेन, मैं यहां पे लॉन्ग डिविजन मेथड नहीं लगाऊंगा फॉर मेकिंग यू मोर अंडरस्टैंडेबल. तो x माइनस फोर अगर है इसमें डिग्री फोर है, तो इसको इस px को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस px को मैं लिख सकता हूँ, इस px को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक फैक्टर तो px स्क्वायर का ये फैक्टर हमारे पास आई, दूसरा फैक्टर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होगा. क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होगा मतलब उसमें मैक्सिमम तीन डिग्री हो सकती है, तीन टर्म हो सकते हैं. तो डिवाइड करने का क्या तरीका हुआ, हमने ये वाला फैक्टर तीन बार लिखा, हमने ये वाला फैक्टर तीन बार लिखा, ठीक है. अब एक्स स्क्वायर एक्स की पावर फोर लाने के लिए हमने एक्स का एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया. जब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, आप देखो हमारे पास ये आ जाएगा, दूसरा टर्म माइनस एक्स क्यूब है, दूसरा टर्म माइनस एक्स क्यूब है, प्लस का एक्स क्यूब है. तो उसको प्लस का एक्स क्यूब लाने के लिए हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का एक्स क्यूब है, प्लस का एक्स क्यूब लाने के लिए हम यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमारे पास क्या आ गया, देखो एक्स क्यूब भी आ गया और माइनस फोर एक्स आ गया, माइनस फोर एक्स आ गया. अच्छा अब अगला टर्म, ये दोनों कम्प्लीट हो गया, ये 34 है हमारे पास, 34 लाने के लिए फोर तो है हमारे पास. तो अगर मैं माइनस का यहाँ पे 30 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस का 30 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 30 एक्स स्क्वायर आ जाएगा और प्लस का 120. अच्छा अब आप देख लो 4x तो अपने आप एडजस्ट हो गया और 4x स्क्वायर ये 34x स्क्वायर बन गया, 120 अपने आप एडजस्ट हो गया. तो इस तरीके से हम बहुत जल्दी ही फैक्टर निकाल सकते हैं, इस तरीके से और हम कुछ अलग ही कर रहे हैं. ये ठीक, ये मैं नीचे वाला मिटा रहा हूँ, नीचे वाला मिटा रहा हूँ. और अब मैं इसको डायरेक्ट क्लास 10th में आप लोग इसको यहाँ पे मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके अपने आप यहाँ लिख दिया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके अपने आप लिख दिया. और मैं कह सकता हूँ therefore अगर ये है एंड x माइनस बीटा क्या होगा, अगर मैं कंपेयर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस सिक्स मतलब अल्फा, और बीटा क्या हो जाएगा प्लस का फाइव, प्लस का फाइव. तो जीरोज मेरे पास क्या आ गए, मेरे पास जीरोज आ गए 2 माइनस 2 माइनस 6 5 आर जीरोज ऑफ पी एक्स. आई होप यू हैव गॉट बेसिक आइडिया बिहाइंड द क्वेश्चन. और इस तरीके से कितने आसानी से सॉल्व होता है, लॉन्ग डिविजन मेथड भी बेटर मेथड है, लेकिन ये एक टॉपर्स का मेथड है जो कि 9th क्लास में सिखाया गया है और हम इसको सीखना नहीं चाहते हैं. देखो आप कितना एफिशिएंट मेथड है. हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं. क्या क्वेश्चन है हमारा, अगेन पॉलीनोमियल वही है, सेम मैं इसको डायरेक्ट करने वाला हूँ, पॉलीनोमियल हम लिख देते हैं, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन इज देयर, सेम क्वेश्चन इज देयर. वी कैन राइट व्हाट, वी कैन राइट अल्फा बीटा और तो क्या है वो 2x की पावर 4 प्लस 7x क्यूब माइनस 19x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 30 है. और अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, सेम क्वेश्चन उसी तरीके से है, x माइनस 2 रूट x प्लस 2 रूट,
इट मीन्स अगर मैं अल्फा बीटा मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो पी एक्स है पी एक्स को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू को डिवाइड पी एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस टू करके देखते हैं। अच्छा वही मैंने तीन बार लिख लिया। अच्छा मैं यहाँ पे 2x² का मल्टीप्लाई करूंगा, 2x² का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 4x² मिल जाएगा। और क्या मिल गया साथ में, मुझे मिल गया 4x² मिल गया। मुझे क्यूब भी चाहिए तो मैं यहाँ पे अब 7x का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे 7x³ भी मिल गया और साथ में 14x भी मिल गया। अच्छा अब मुझे वहाँ पे 19x² चाहिए लेकिन मुझे 4 मिल चुका है तो मैं यहाँ पे -15 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 15x² + 30। देखो 15x² + 30 आ गया। अब ये भी मिल गया है, ये भी मिल गया है, इन दोनों को जोड़ के 19x² मिल जाएगा। 14x अपने आप एडजस्ट हो गया, 30 अपने आप एडजस्ट हो गया। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ x² एक तो फैक्टर है कॉमन ले लिया, बचा गया 2x² + 7x - 15, ये बच गया। और इसको मिडिल टर्म से इसको स्प्लिट करते हैं तो क्या है, देखो मिडिल टर्म से इसको स्प्लिट करते हैं, चलो तो 2x² प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन 30 होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, 10x - 3x - तो क्या फैक्टर हुआ इसके, अगर मैं 2x कॉमन लूंगा तो x + 5, अगर मैं 3 कॉमन लूंगा तो x + 5। तो यहां से मैं डायरेक्ट फैक्टर लिख देता हूँ, x - 2x मैंने इसको ब्रेक कर लिया है और इसको हो गया 2x - 3 और x + 5। देयरफोर जीरोज़ आर क्या जीरो हो सकते हैं, देयरफोर जीरोज़ आर यहीं से ऊपर लिख देता हूँ मैं, एक तो रूट टू पहले से ही था, रूट टू पहले से ही था, बचे हुए फैक्टर क्या हो गए, 3/2 और -5 और 4 0 ऑफ px, 4 0 होंगे px के।